हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन। एडुऑन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में जो चीज़ें चल रही थी उसे आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे भारतीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हमने देखना शुरू कर दिया था और इसका जो छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ते जा रहे हैं अब उसको भी हम विशेष कर से देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अब गांधी जी का आगमन शुरू हो चुका है, असहयोग आंदोलन चल रहा है और उसी असहयोग आंदोलन के समानांतर में जो जो चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी हो रही है उसे हम देखते जा रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन का जब यह आंदोलन चल रहा होता है, गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा होता है, उसी समय दिसंबर 1921 में जो अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग भाग लेते हैं। इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में पहला जंगल सत्याग्रह आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह पहली बार आपको देखने मिलेगा, जो 21 जनवरी 1922 को इस सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और यह सिहावा नगरी जो मिलेगा, यह मिलेगा आपको गरियाबंद धमतरी के पास आपको नगरी सिहावा करके एक जगह मिलेगी। उस जगह में पहली बार जंगल सत्याग्रह होता है। अब यह जंगल सत्याग्रह का कारण क्या था, ये सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ, इसका भी तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य ऐसा था कि जो आदिवासी थे या वहाँ पे जंगल में रहने वाले जो ग्रामीण थे, अंग्रेजों से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो गए थे क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बार बार इनका शोषण किया जाता था। इनके पास लकड़ियाँ, जैसे जंगल किस लिए जाना जाता है, लकड़ियों के लिए, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के लिए। तो इनके पास यह भी अधिकार नहीं था कि वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग कर सके, लकड़ियों का उपयोग कर सके। जहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत सारे कर लगा रखे थे, इन्हें किसी भी हालत में वहाँ पर पेड़ों की कटाई या अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है उसके उपयोग करने से मना कर दिया गया था, जिसके कारण आदिवासियों में धीरे 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 एक आक्रोश उत्पन्न होता है और एक सत्याग्रह के रूप में बाहर निकल कर आता है, जिसे हम देखते हैं कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। और ये किसके बाद शुरू हो रहा है, जो दिसंबर 1921 का अहमदाबाद में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसके बाद ही आदिवासियों में जो एक संघर्ष की भावना है इस अधिवेशन के बाद ही शुरुआत होता है। अब ये सत्याग्रह तो शुरू हो गया तो किसी ना किसी के द्वारा तो नेतृत्व किया जाएगा, कोई तो एक भूमिका निभाएगा जो इस सत्याग्रह को एक रास्ता प्रदान कर सके। तो वो जो होते हैं उनका नाम होता है श्याम लाल सोम। इसका नाम याद रखेंगे, श्याम लाल सोम के द्वारा इस जो सत्याग्रह है उसे एक मार्ग, एक नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इनके साथ सहयोग देने के लिए पंचम सिंह, विशंबर पटेल, शोभाराम साहू और बाली ठाकुर अन्य साथी भी इनके साथ होते हैं। जब यह सत्याग्रह चल रहा होता है तो अंग्रेजों की इसकी जानकारी हो जाती है, तो अंग्रेज यह कोशिश करते हैं कि इनकी जो सत्याग्रह है इसे किसी भी तरीके से दमन किया जाए, समाप्त किया जाए। तो ये क्या करते हैं, ग्रामीणों के घर में जाते हैं, कभी उनकी जो निजी लकड़ियां होती थी, ग्रामीणों की निजी लकड़ियां होती थी उसे भी यह बोल दिया करते थे कि आपने इसे चोरी किया है और ग्रामीणों को जबरन जेल में डाल दिया करते थे। ये इस तरह की जो टेक्निक है ये अंग्रेज जो इस्तेमाल किया करते थे कि किसी भी प्रकार से यह सत्याग्रह समाप्त हो जाए और ये जो ग्रामीण है अपना ये जंगल सत्याग्रह खत्म कर दे। तो इस प्रकार से भी अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति हमें देखने मिलती है। और जब यहाँ पर जो नेतृत्व करते हुए यहाँ पर श्याम लाल सोम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीन से छः महीने के लिए ग्रामीणों को और श्याम लाल सोम के साथियों को जेल में कठोरतम कारावास में डाल दिया जाता है, जिसे छुड़ाने के लिए बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा अगुवाई की जाती है। बाद में ये आते हैं इस आंदोलन के, जब ये गिरफ्तार होने के बाद लोगों को छुड़ाने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा आते हैं नारायण मेघावले के साथ, उनके साथ आते हैं कि अंग्रेजों से बात करते हैं कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, हम ये सत्याग्रह यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं। तो जब सुंदरलाल शर्मा जी यहाँ आते हैं तब जाकर यह सत्याग्रह समाप्त होता है। तो यह क्या था, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। और यह किस समय चल रहा था, ये ड्यूरेशन भी आप देखिए, 21 जनवरी 1922 को हुआ। 21 जनवरी 1922 यानी असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके समानांतर में यह छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके पश्चात ही हम देखेंगे भारतीय इतिहास में जब यह आंदोलन चल रहा होता है, कौन सा असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, उसी बीच चौरी चौरा कांड हो जाता है।
चौरी चौरा में एक जगह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर नाराज किसानों के द्वारा एक जो पुलिस थाना है उसे जला दिया जाता है। और यह पुलिस थाना जलाया जाता है 5 फरवरी 1922 को यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान में इसे जला दिया जाता है। और जो ये घटना है हिंसात्मक घटना के रूप में जाना जाता है, हिंसात्मक घटना के रूप में। और ये जो घटना है ये गांधी जी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और गांधी जी क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहते हैं, लोगों से हमेशा यही विनती रहती है कि आप अहिंसा के मार्ग को कभी ना छोड़ें, परंतु यह असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है, हिंसात्मक रूप ले लेता है। और इस हिंसात्मक रूप को देखते हुए गांधी जी यहाँ पर यह करते हैं कि जो अपना आंदोलन है उसे वापस ले लेते हैं, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और गांधी जी को जब यह चौरी चौरा कांड होता है इसके पश्चात उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। इन्हीं के साथ ही साथ इसी समय कुछ पहले ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को भी जेल में डाला जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और एक केंद्रीय जेल, रायपुर का जो केंद्रीय जेल है वहाँ उन्हें भेज दिया जाता है। किन्हें? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को भी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जब भेजा जाता है तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मस्थली, श्री कृष्ण जन्मस्थली या जन्म पत्रिका नाम से उनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, कहाँ? रायपुर के केंद्रीय जेल में। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चौरी चौरा कांड हो गया और ये असहयोग आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो गया। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है तो गांधी जी का इसे एक तरफा फैसला कहा जाता है कि गांधी जी ने अपने तरफ से ही ये फैसला ले लिया था। तो बाद में जो इनके साथ में जो सहयोगी होते हैं, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि जो अन्य गण नेता होते हैं, ये इनसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि आपने ये आंदोलन क्यों वापस लिया। तो ये इनकी कोशिश रहती है चित्तरंजन दास और अन्य नेताओं की कि हम ये आंदोलन चलाएं। तो कैसे चलाएं? असहयोग आंदोलन तो गांधी जी ने वापस ले लिया या उसे बंद कर दिया। तो इनके द्वारा कोशिश की जाती है स्वराज पार्टी की या स्वराज दल की स्थापना की जाती है ताकि ये आंदोलन इसी तरह चलता रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 जनवरी को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। यहाँ पर इमेज में देखेंगे, यह है चित्तरंजन दास और यह है मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। और इनका पहला अधिवेशन जो होता है आपको देखने मिलेगा इलाहाबाद में, जहाँ पर इसकी एक रूपरेखा, स्वराज पार्टी की एक रूपरेखा कि ये हमारा जो स्वराज दल है इसका यानी कार्य क्या होगा, कैसे कैसे इसे कार्य करना है, इसके संविधान और कानून की यहाँ पर चर्चा की जाती है। और इसका एक उद्देश्य भी होता है, जैसे मैंने बताया था कि भारत को स्वराज दिलाना, स्वराज दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, ये यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और दूसरा जो होता है कि जो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, असहयोग के जो कार्यक्रम थे और जो कार्यकर्ता थे उन्हें इसके साथ ही साथ जोड़े रखना, स्वराज पार्टी में जोड़े रखना। अब यहाँ पर अगर स्वराज पार्टी बन गई है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी बहुत से लोग भाग लेते हैं और जब ये वापस छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख लोग होते हैं। उसमें रायपुर में हम देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल होते हैं, शिवदास डागा जी होते हैं, बिलासपुर में राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, वैसी दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ में भी आकर स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पर इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर की जाती है और इनके जो विचार हैं यहाँ पर लोगों के बीच में रखे जाते हैं। जब स्वराज पार्टी की स्थापना होती है उसी समय उसी वर्ष 1923 में एक प्रांतीय चुनाव भी होता है, मध्य प्रांत और बरार का एक चुनाव होता है। तो इस चुनाव में जो व्यवस्थापिका की एक बैठक होती है, उस चुनाव में करीबन कहा जाता है स्वराज पार्टी को 70 जो सीट होती है उस 70 सीट में से 40 सीट मिल जाती है। स्वराज पार्टी को जो मध्य प्रांत बरार में 70 में से 40
सीट मिल जाती है। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि स्वराज पार्टी कितनी मजबूत थी, जिसके कारण उन्हें 40 सीटें भी मिल जाती है। तो ये कहाँ मिलता है, इन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाता है, कहाँ, विधान परिषद में, जो प्रांतीय चुनाव होता है वहाँ की विधान परिषद में इन्हें सीटें मिल जाती है, जहाँ पर कुछ सीटें स्वराज पार्टी के जो छत्तीसगढ़ में है उनके मुख्य नेताओं को भी मिलती है, जिसमें होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला और ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, इन सभी को यहाँ पर कुछ सीटें मिल जाती हैं। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो स्वराज पार्टी का जो सदस्यता बनाया गया था, जैसे जो स्वराज पार्टी का गठन छत्तीसगढ़ में किया गया था, वहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा उस सदस्य में नहीं थे, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। आगे फिर हम देखेंगे जब यह आंदोलन चल रहा होता है, उसी बीच एक झंडा सत्याग्रह की भी शुरुआत की जाती है। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह क्या होता है कि जैसे हमारा ये झंडा है, आज के टाइम में तो ऐसा है, पहले अलग हुआ करता था, तो झंडा जो है उस समय अलग अलग स्थानों पर जहां पर अंग्रेजों ने मना कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है, उन सब स्थानों पर लोगों के द्वारा झंडा फहराया जाता था, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ और उस समय मध्य प्रदेश दोनों एक था, तो मध्य प्रांत के जबलपुर में पहली बार वहां के टाउन हॉल में झंडा यहां पर नगर पालिका भवन में 18 मार्च 1923 को झंडा फहराकर इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और जैसे ही यहां पर जबलपुर में झंडा फहराया जाता है, तो हम देखते हैं कि बिलासपुर के टाउन हॉल में भी झंडा फहरा दिया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे कि जब राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह बहुत ही वृहद रूप से बड़े रूप में भी फैलते जाता है, तो नागपुर में एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन होता है, जहां पर जमुनालाल बजाज के द्वारा इस जो सम्मेलन है उसकी अगुवाई की जाती है, और 13 अप्रैल 1923 को नगरपालिका भवन में, जो नागपुर का नगरपालिका भवन है, वहां पर भी जाकर झंडा फहरा दिया जाता है, और उसका प्रभाव यहां छत्तीसगढ़ में धमतरी तहसील तक भी पड़ता है। उस समय धमतरी तहसील हुआ करता था, तो धमतरी तहसील तक भी पड़ता है, तो वहां पर सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा 100 लोगों का एक दल लेकर भी यहाँ नागपुर में ये जाते हैं। तो इस प्रकार भी हम क्या देख रहे हैं, झंडा सत्याग्रह को छत्तीसगढ़ में विभिन्न जितने भी स्थान है, दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, धमतरी हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में भी इन्हें बहुत ज़्यादा पहचान मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या मिला कि धमतरी के 100 लोगों के द्वारा ये नेतृत्व करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं, इस झंडा सत्याग्रह को। जब यह झंडा सत्याग्रह चल रहा होता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इसे जब झंडा सत्याग्रह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जेल में भर देते हैं। तो बाद में विट्ठल भाई पटेल के द्वारा 18 अगस्त 1923 को एक समझौता किया जाता है अंग्रेज, जिसका नाम होता है फ्रैक्सलाई और विट्ठल भाई पटेल के बीच में समझौता होता है कि हम यह झंडा सत्याग्रह जो चल रहा है उसे स्थगित कर देंगे। और ये बहुत जगह फैल जाता है, इस कारण से भी अंग्रेज परेशान रहते हैं, इसलिए यहाँ पर यह झंडा सत्याग्रह एक समझौते के रूप में इसे स्थगित किया गया। इसे आप अच्छे से देख लेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जब झंडा सत्याग्रह समाप्त तो होता है, तब उसी समय दिसंबर में काकीनाड़ा अधिवेशन होता है। काकीनाड़ा अधिवेशन 1923 का दिसंबर में काकीनाड़ा में, जो हैदराबाद के निकट ही आंध्र प्रदेश जानते हैं, यहाँ पर जो अभी तो ये अलग अलग हो गया है, परंतु यहाँ पर एक काकीनाड़ा नाम की एक जगह है, तो काकीनाड़ा में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। काकीनाड़ा में अधिवेशन होता है, जहां पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्य नेता होते हैं वो यह डिसाइड करते हैं कि हम जो ये अधिवेशन है यहाँ पर पैदल मार्ग से यात्रा करते हुए जाएंगे। इसमें जो प्रमुख नेता होते हैं वो होते हैं आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले। ये दोनों के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि हम छत्तीसगढ़ से चलते हुए बस्तर के जंगलों से होते हुए हम इस काकीनाड़ा अधिवेशन में भाग लेंगे। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मार्ग। तो यहाँ से ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ से बस्तर से होते हुए इस काकीनाड़ा अधिवेशन में ये भाग लेने जाते हैं। तो भाग लेने गए
तो यहाँ पर और क्या चीज़ें होती हैं उसे देखते हैं। जब ये अधिवेशन होता है उस समय अध्यक्षता करते हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, जो दिसंबर 1923 को इस काकीनाड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और जाते कौन कौन है? सुंदरलाल शर्मा और उनके अन्य साथी, जिसमें नारायण मेघावाले प्रमुख होते हैं। तो इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि यहाँ से यात्रा की जाएगी बस्तर के द्वार, बस्तर के रास्ते से। और बस्तर का ही रास्ता क्यों चुना जाता है? इसीलिए चुना जाता है कि जंगल में जो आदिवासी होते हैं, कहीं ना कहीं जो ये है, जो हमारी सोच है, जो कांग्रेस की जो सोच है, उसको नहीं जान पा रहे थे। जो ये राष्ट्रीय पूरा आंदोलन चल रहा है उसमें कैसे जोड़ा जाए, तो उन्हें जोड़ने के लिए ही ये यहाँ से यात्रा करते हैं बस्तर के जंगलों से। और इसीलिए काकीनाड़ा अधिवेशन जाना जाता है। जब काकीनाड़ा अधिवेशन चल रहा होता है उसके पश्चात ही 1924 के आसपास यहाँ पर बेलगांव में एक अधिवेशन होता है। बेलगांव में दिसंबर 1924 में एक अधिवेशन होता है, जो गांधी जी के द्वारा एकमात्र अध्यक्षता इस अधिवेशन में की जाती है। गांधी जी के द्वारा किए जाने वाली अध्यक्षता एकमात्र, कांग्रेस अधिवेशन का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव में एक अधिवेशन होता है जहां पर गांधी जी ने जो हरिजन है या जो छुआछूत की भावना रहती है लोगों में, या अछूत माना जाता था लोगों को, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। और कहाँ के मंदिर में प्रवेश किया जाता है? तो ये त्रावणकोर नाम की एक जगह है। त्रावणकोर में मार्च 1925 को प्रसिद्ध जो वहाँ का महादेव मंदिर है, वहाँ के मंदिर में हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, जातिगत जो भेदभाव है उसे भी मिटाने का कार्य गांधी जी के द्वारा इस अधिवेशन के पश्चात यहाँ पर किया जाता है। और जैसे ही हम ये देखें कि हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया गया, इस प्रकार की घटना को हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ता है। और ऐसी एक घटना या ऐसी ही एक जो कार्यक्रम है हमारे छत्तीसगढ़ में देखने मिलता है, वह होता है अछूत उद्धार कार्यक्रम, जो होता है नवंबर 1925 को। और यह कार्यक्रम को चलाने वाले होते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा एक जुलूस और एक रैली के स्वरूप में लोगों को ले जाते हैं राजीव मंदिर में प्रवेश कराने। राजीव लोचन जो जानते हैं आप, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर ये प्रवेश कराने ले जाते हैं। और जब प्रवेश कराने ले जाते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। पुलिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है कि आप ये इन्हें प्रवेश नहीं करा सकते। फिर भी कैसे भी करके, कोशिश करके यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर कि जो मंदिर है उसमें प्रवेश कराने की जो योजना है उसे निर्धारित उद्देश्य से ये पूरा करते हैं। जो उनका उद्देश्य रहता है ये किसी भी तरीके से पूरा करते हैं और मंदिर में ले जाकर इन्हें प्रवेश दिलाते हैं और इन्हें बहुत सारे सम्मान प्रदान किए जाते हैं। जब सुंदरलाल शर्मा जी ये कार्य करते हैं तो गांधी जी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इन्हें एक उपाधि भी देते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को एक उपाधि देते हैं जिसमें जानते हैं हम गुरु की उपाधि इन्हें मिलती है। और एक सतनामी आश्रम की भी स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा समाज सुधार के लिए यहाँ पर की जाती है। तो ऐसे अछूत जो उद्धार है या छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए समाज सुधार के कार्यों के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम होते रहते थे, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का ये कार्यक्रम आपको याद रखना है। और इसका प्रभाव कहाँ से पड़ा था? बेलगांव में जब गांधी जी के द्वारा वहाँ पर एक छुआछूत या हरिजनों को जो मंदिर में प्रवेश करवाया गया था, वहीं से ही इनको प्रेरणा मिली थी। इस प्रकार भी जो छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम होते रहते थे। अब आगे हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में जाकर झंडा फहराते हैं और पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, उस समय से कहीं ना कहीं लोगों में एक भावना उत्पन्न हो जाती है। और उसी के समानांतर भी गांधी जी जो है अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, बहुत ज़्यादा रुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी मांगे वो अंग्रेज़ों के सामने रखते हैं गांधी जी, परंतु अंग्रेज़ों के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। और गांधी जी उसके पश्चात ही ये
उनका उद्देश्य बन जाता है कि हम अंग्रेजों का जो कानून है उसे तोड़ेंगे और किसी भी तरह से अपनी बात मनवाएंगे। और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन कि हम आदर से आपसे बात करेंगे और बिना किसी हिंसा के आपका कानून तोड़ेंगे। और उस कानून तोड़ने को लेकर उनका पहला जो कार्यक्रम होता है वह होता है नमक कर। नमक के ऊपर जो कर लगाया जाता है नमक बनाने को लेकर, उस नमक कर को लेकर ये गांधी जी शुरुआत करते हैं दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा की यहाँ पर गांधी जी के द्वारा शुरुआत की जाती है 12 मार्च 1930 को। यहाँ पर गांधी जी दांडी मार्च की यात्रा शुरू करते हैं, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये यात्रा करते हैं। और जब दांडी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर नमक बनाकर जो अंग्रेजों का कानून है उसे तोड़ते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा करते हैं, गांधी जी जो है अपने साथियों के साथ 78 करीबन उनके साथी होते हैं उनको लेकर अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है, एक गांव है दांडी, वहाँ तक की ये यात्रा करते हैं और इस कानून को तोड़ते हैं। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है थोड़ा सा असहयोग आंदोलन से आपको अलग दिखेगा। यहाँ पर कानून तोड़ने की बात होती थी, असहयोग आंदोलन में कभी कानून तोड़ने की बात नहीं की जाती थी। असहयोग आंदोलन में आप देखे थे कि लोग जो है अपनी पदवी छोड़ रहे थे, जो जिस जगह जॉब कर रहे थे उसे छोड़ रहे थे, जहाँ जहाँ जो विदेशी सामग्री थी उसे त्याग रहे थे, ये असहयोग आंदोलन में हो रहा था। और अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हो रहा है कि कानून को तोड़ा जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा जो गैर कानूनी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी, लोगों के ऊपर थोपे गए थे, वो सब कानून क्या गए, लोगों के द्वारा तोड़ा गया। जहां पर गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी यात्रा के साथ की। जब दांडी यात्रा चल रही होती है तो इसका प्रभाव भी हमारे छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। यहां पर भी नमक बनाकर, एक प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर भी इसे तोड़ा जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि एक पूर्ण स्वराज सप्ताह जब 29 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ में भी 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है। और 13 अप्रैल 1930 के बाद ही यहां पर महाकौशल राजनीतिक परिषद का एक सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए आने वाले होते हैं जवाहरलाल नेहरू। क्या बताया मैंने, महाकौशल राजनीतिक परिषद में का सम्मेलन होने वाला रहता है 15 अप्रैल 1930 को। तो इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू को आना होता है, परंतु किसी कारणवश वे नहीं आ पाते। तो इस सम्मेलन में क्या क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। इस सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, ये इनके द्वारा यहाँ पर जो प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया जाता है, और वह नमक कैसे बनाया जाता है, तो नमक बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा को लेकर, सोडा को मिलाकर यहाँ पर नमक निर्माण किया जाता है और अंग्रेजों का जो कानून है उसे तोड़ा जाता है। इस जब यह सब आंदोलन चल रहा होता है उसी बीच एक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जो पांच पांडव है उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये भी जो है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को बताने में, प्रचार प्रसार करने में बहुत ज़्यादा इनका सहयोग होता है। तो कौन कौन है ये पांच पांडव, जैसे महाभारत में पांच पांडव थे उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी नाम दिया गया, इसमें से एक नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, युधिष्ठिर जो थे वो थे वामन राव लाखे, अर्जुन का जो भूमिका में थे वो थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह, नकुल जो थे मौलाना रऊफ, और वैसे ही भीम की भूमिका में हम देखेंगे महंत लक्ष्मी नारायण दास और सहदेव शिवदास डागा जी को। तो इस प्रकार ये पांच लोग जो हैं पांच पांडव के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। आगे हम जब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे कर भी लगाए जा रहे थे। तो करों को मत दो, कर को जो भी अंग्रेज कर लगा रहे हैं उसे मत दो, उस कानून को तोड़ दो। तो ये बात होती है ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा कि कर ना दो और पट्टा मत लो, कर ना दो पट्टा मत लो। जो जमीन के लिए अधिकार मिलते थे, जैसे कि आज भी जानते हैं कि आप लीज में कोई जमीन लेते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, टैक्स देते हैं आप, तो उस समय भी कर ना दो पट्टा मत लो ये अभियान चलाया जाता है ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को हम सहयोग नहीं देंगे। और उसी बीच
यहाँ पर धमतरी में भी जो इस उद्देश्य को लेकर नारायण राव मेघावले के द्वारा भी यहाँ पर ये उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाता है। जब यह चल रहा होता है तो यहाँ पर बिलासपुर में भी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक आंदोलन देखने मिलता है। जो आंदोलन बिलासपुर में होता है उसका जो शुरुआत करने वाले जो नेता होते हैं उनका नाम होता है दिवाकर कार्लीकर ने इस आंदोलन की शुरुआत की। दिवाकर कार्लीकर क्या करते थे, शराब के जो ठेके होते थे, शराब की जो दुकानें होती थी या मादक पदार्थों की जितनी भी दुकानें होती थी, उन दुकानों के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करते थे या तो उनके दुकानों में तोड़फोड़ मचा देते थे या किसी भी प्रकार से उनके सामान को बिकने ना दिया करते थे। तो ये सब कोशिशें इनकी हुआ करती थी। किसकी, दिवाकर कार्लीकर जी की, जिसमें इनका सहयोग देते हैं ठाकुर छेदीलाल और वासुदेव, जिसमें हम आगे देखेंगे कि बिलासपुर में जो एक शासकीय स्कूल होता है वहाँ पर क्रांति कुमार भारती के द्वारा एक सरकारी स्कूल में तिरंगा को फहरा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें जेल में भी जाना पड़ता है, क्रांति कुमार भारती जी को। और आगे चलकर एक वानर सेना का गठन होता है, वानर सेना उस प्रकार की वानर सेना नहीं है कि बंदरों का एक ग्रुप बना दिया गया, ये बच्चों का और एक युवाओं का बहुत बड़ा एक समूह होता है जिसे वानर सेना का नाम दिया जाता है और एक वानर सेना का गठन किया जाता है, जिसका गठन किया जाता है वासुदेव देवरस के द्वारा। तो वासुदेव देवरस के द्वारा ये जब इसका गठन किया जाता है बिलासपुर में, किसका, वानर सेना का। तो वानर सेना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इनका जो प्रचार प्रसार करने का तरीका होता है, ये पत्रिकाएं लेकर घरों घरों में बांटा करते थे, जो समाचार पत्र होते थे उसे ले जाकर घरों में छोड़ दिया करते थे, बांट दिया करते थे। और जो जन रुचि है या जो लोगों में एक जन आंदोलन है उसके बारे में ये बताया करते थे। तो ये वानर सेना का मुख्य कार्य यही हुआ करता था। और बाद में 1932 में जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, उस समय रायपुर में भी बनाया जाता है, रायपुर में जब वानर सेना का गठन होता है तो उसे बनाते हैं बलिराम आज़ाद और यति रतन लाल और बलिराम आज़ाद रायपुर में, और बिलासपुर में कौन है, वासुदेव देवरस। तो ये वानर सेना के बारे में आपको क्वेश्चन और प्रश्न जो है आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे। जब इस प्रकार के आंदोलन, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया उसके बारे में ही, और उसके प्रभाव को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुंगेली में भी इसका प्रभाव पड़ता है। मुंगेली में जो जन आंदोलन होता है उसमें कालीचरण शुक्ल और राम गोपाल तिवारी जो है वहाँ पर एक पानी लेकर, नाले का एक पानी लेकर और मिट्टी लेकर उससे नमक बना देते हैं और उस नमक को बेचते हैं और उस नमक को 50 रुपए में खरीदते हैं गंगाधर राव, और इस प्रकार वहां पर भी क्या करते हैं, ये नमक कानून जो है उसे तोड़ते हैं। ये बिल्कुल गांधी जी ने जो अपना मार्ग बताया उसे ही पूरा पालन ये कर रहे होते हैं। और दुर्ग में भी नरसिंह अग्रवाल, वाईवी तामस्कर, रामप्रसाद देशमुख, ये सब बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जहाँ पर हम आगे देखेंगे कि दुर्ग में किसान सभा का गठन होता है और विद्यार्थी कांग्रेस का भी स्थापना किया जाता है, विद्यार्थी कांग्रेस जिसे बनाते हैं गंगाधर प्रसाद और गणेश सिंह रावल। तो ये हमने क्या देखा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इतना चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा होता है, तो उसका भी छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा, जिसमें जितने भी अलग अलग आंदोलन हुए जिसमें नेताओं ने भाग लिया उसकी चर्चा हमने कर ली है। आगे हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद एक बार और सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी जो चीज़ें बढ़ते जाएंगी। अब हमारा क्या जो कोर्स है, जो छत्तीसगढ़ इतिहास का कोर्स है, अब वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहा है। आगे हम प्रश्न अभ्यास भी करेंगे, धीरे धीरे आपको प्रश्न के अभ्यास भी कराए जाएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।